लारकाना में नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल खाली करवाने के ख़िलाफ़ ज़ेर तालीम तालिबात सरापा एहतजाज बन गई हैं। ज़राए से पता चला है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से ज़बरदस्ती नर्सिंग हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है। नर्सिंग कोर्स करने वाली तालिबात का कहना है कि हम दूर दराज के मुख्तलिफ शहरों से लारकाना में तालीम हासिल कर रहे हैं, हॉस्टल के अलावा हमें कई और रहायश भी नहीं है। हॉस्टल खाली करवाया गया तो रहायश के मसाइल पैदा होंगे, फ़ैसला वापस न लिया गया तो हॉस्टल के बाहर धरना और ओपीडीज का बाइकआउट किया जाएगा। मजीद नर्सेस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से आगाह किया। हॉस्टल हमारी शुरू से है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का राइट है, ये हमारा घर है, हम अपना घर छोड़ के आते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे सब लाड़काना की नहीं होती हैं, हम दूर दूर से दादू डिस्ट्रिक्ट से, शिकारपुर से, यहाँ से आते, तो ये हमारा घर है, ये हमारा राइट है, हम किसी को क्यों दें। पहले भी हमसे लिया गया था तो हमारी स्ट्रगल की वजह से हमें वापस रिटर्न मिला। अब दोबारा से ये एमएस साहब ये बोल रहा है कि हमें ये दो, ये हम नहीं देंगे, ये हमारा राइट है, अगर इस पर कोई एक्शन ना हुआ तो हम बायकॉट करेंगे। हमारा हॉस्टल बंद करने के लिए वो बोल रहे हैं, हम क्यों करें, हम इतनी दूर से आ रहे हैं ना, अगर हमें फैसिलिटी मिले, हमें घर की फैसिलिटी मिले, हम क्यों रहेंगे यहाँ पर। तो हम बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमसे ये हॉस्टल नहीं लिया जाए। ऑलरेडी हम एक रूम में 10-10 लड़कियाँ हैं, तो 20-25 कैसे रहेंगे, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ नहीं, हम स्ट्राइक करेंगे कि हमारा हॉस्टल खाली नहीं करवाया जाए। प्लीज़ दिया गया है कि हमारी हॉस्टल जो है वो खाली किया जाए। हम वैसे ही 8-8, 10-10 रहे हैं, लड़कियाँ रह रहे हैं, तो हम ये हॉस्टल खाली नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे अपना घर किसी को भी। जैसे कि हमें नोटिस भेजा गया है कि हॉस्टल खाली कर दी जाए, हमारा यही है सवाल कि हम क्यों हॉस्टल खाली करें, जबकि ये हमारा बेस घर है, हम इतनी दूर से आते हैं यहाँ रहने, कोई जगह मतलब अगर हम दूर से आते हैं तो हमारी कोई मजबूरी होगी ना यहाँ रह रहे किसी मजबूरी के तहत, तो हमें यही कहना है, हमें यही रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा हॉस्टल खाली ना किया जाए। हम जो लड़कियाँ आउटब्रेक करने में इतनी हमें मुश्किल होती है, वो कहाँ जाएंगी और कैसे रहेंगी, और ऊपर से गर्मी भी आ रही है, अगर ऊपर वाला पोर्शन हमें दे भी रहे हैं तो फिर उसमें इतनी सारी लड़कियां कैसे एडजस्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कमरे में 10-10, 15-15 लड़कियां जो हैं वो रहें। सो इसलिए रुके से कि हमारे हॉस्टल को खाली ना कर दिया जाए। थैंक यू।